हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, अवेकनिंग सेल्फ श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लर्निंग का जीवन में महत्व इस विषय से जुड़ी हुई कुछ बातों पर विचार करेंगे। हर एक इंसान जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नई बातें और तौर और तरीके सीखता है, चाहे वो 5-6 महीने का छोटा बच्चा हो या फिर पढ़ाई करने वाला एक विद्यार्थी, नौकरी या बिजनेस करने वाला एक आदमी या सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने वाला एक व्यक्ति ही क्यों न हो। मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में भी अपनी शान और रुतबा बनाने के लिए और संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा वर्तन और व्यवहार सीखता है। लर्निंग हमारे जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बात है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जीवन में सदैव नई अच्छी बातों को सीखकर जीवन में अपनाता है, वही मनुष्य जीवन को सफल बनाता है। उदाहरण के तौर पर आदि मानव से लेकर आज का सुख सुविधा युक्त मनुष्य जीवन निरंतर चलने वाले लर्निंग का ही परिणाम है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हम कौन सा रास्ता अपनाएं, किन रिसोर्सेस का हम उपयोग करें, किससे पूछें, किससे जानें, किस पर विश्वास करें, या फिर ऐसी कोई चीज़ पारसमणि हमें मिल जाए, या फिर एक उत्तम गुरु जो हमारे जीवन को सफल बना पाए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने कई रास्ते अपनाए, सारे धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जा आए, सारी अच्छी बातों को सुना, सारी पुस्तकें और धर्म ग्रंथ पढ़ लिए और बन गए एक पिटारा जो सिर्फ जानकारियों से भरा हुआ है। ओनली अ बॉक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सारी अच्छी बातें दिमाग में भरी हुई है, उनके बारे में हम 100% अवेयर नहीं है, इसीलिए वह हमारे वर्तन में नहीं आती और रूपांतरण हमारे लिए एक कठिन प्रक्रिया बन गई है। और आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी बन गई है जैसे कोल्हू का बैल जो दिन भर मीलों चलकर भी कहीं नहीं पहुंचता। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, डोंट सी हुज इट इज, जस्ट सी व्हाट इट इज। Accept good thoughts and work to implement whosoever it may be। दोस्तों, जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक उत्तम गुरु का होना आवश्यक है, परंतु जो सदैव हमारे साथ और पास रहता है वही हमारा असली गुरु है और वह है हमारी आत्मा और यह प्रकृति। रंग बिरंगी फूलों से भरी ये प्रकृति हमें सदा मुस्कुराते रहना सिखाती है। सूरज, धरती माता और नदी हमें जीवन में बिना भेदभाव के सबका पालन पोषण करना सिखाती है। सफलता की ऊंचाइयों पर होने पर भी सदा हल्के और विनम्र रहना हमें यह बारिश लाने वाले बादल ही सिखाते हैं। प्रकृति की गोद में पलते ये सभी पशु पंखी जीव हमें हर परिस्थितियों में बिना डगमगाए खुशहाल रहना सिखाते हैं। और हम सब जानते ही है कि गुरु दत्तात्रेय भगवान ने ही प्रकृति को अपना गुरु बनाकर जीवन में आगे बढ़े हैं। दोस्तों, इन सारी बातों को हम संत कबीर की भाषा में कहे, पोथी पढ़कर जग मुआ, पढ़े न पंडित होई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। वैसे ही हम अपने जीवन में हमारी आत्मा के प्रेम, शांति, आनंद, विनम्रता और सहजता जैसे गुणों को जाने, उसे जीवन भर अपने वर्तन में बनाए रखे और सही मायने में हमारे मनुष्य जीवन को सफल और मधुर बनाए, इसी शुभकामना के साथ